स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के शुरुआत में आपने उसका एक्सक्लूसिव प्रोमो तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से राधा कृष्ण के प्रेम संबंध को दर्शाया जाता है। वैसे तो इस शो की अगर हम खास एक्सक्लूसिविटी की बात करें तो इस शो में यूज़ होने वाले ग्राफिक्स इतने ज़्यादा कमाल के हैं कि हर कोई इतने खूबसूरत अंदाज से इस शो की कहानी से अट्रैक्ट और कनेक्ट हो जाता है कि मानो उनके सामने सादर्श कृष्ण लीला चल रही हो। इतना ही नहीं, सामने आया है स्वास्तिक प्रोडक्शन के नए शो का एक एक्सक्लूसिव प्रोमो जिसका नाम है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस शो के एक्सक्लूसिव प्रोमो में आप देख सकते हैं ठीक वैसा ही कुछ खूबसूरत मनमोहक दृश्य अपनाया और दर्शाया जा रहा है जैसा कि राधा कृष्ण के शो के स्टार्टिंग प्रोमो में दिखाया गया था। इन दोनों प्रोमो के अलावा भी शो में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि शो में सेम प्रोडक्शन का हाउस का होना, साथ में शो में सुमेध मलिका का दिखना, जहां राधा कृष्ण में सुमेध लीड रोल प्ले कर रही हैं राधा और कृष्ण का। तो सुनने में आया है कि बहुत जल्द हाथी घोड़ा पालकी में सुमेध और मलिका लक्ष्मी और श्री विष्णु जी के रोल में नज़र आने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहां पर एक तरीके से कृष्ण की लव स्टोरी दिखाई जा रही है राधा कृष्ण में, तो दूसरी तरफ शो में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाएंगी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सेम प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहा ये शो वाकई में राधा कृष्ण हाई टीआरपी शो से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखता है, और शायद इसीलिए लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा है कि वो इस शो को देखें या ना देखें, क्योंकि यकीनन सुमेध नागर जिस शो में हाथ डाल रही हैं तो वो शो अच्छा होने ही वाला है। वेल, देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग, कि जब ये शो की शुरुआत होगी तब कैसा रहेगा शो का स्टोरी लाइन, कौन सी चीज़ें और होने वाली हैं कॉमन, ये देखना होगा अपने आप में खास। आप कितने एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आपको भी क्या लगता है कि क्या इन दोनों शो में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, अपनी अपनी राय कमेंट करना ना भूलें।